हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो अभी सब लोग? बढ़िया, वेरी गुड। आज हम लोग मूविंग फ्लूइड्स की चर्चा करने वाले हैं। अभी तक हमने सिर्फ स्टैटिक फ्लूइड के बारे में बातचीत करी थी। मेरा नाम है गगनदीप सिंह, मैं हूं आपका मास्टर ये हम सबका बहुत ही प्यारा चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। सो लेट्स टॉक अबाउट मूविंग फ्लूइड। ठीक है, अगर फ्लूइड चल रहा होगा तो क्या फिजिक्स लगने वाली है उसके बीच में, उसकी चर्चा करते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। मूविंग फ्लूइड्स, अब मूविंग फ्लूइड्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि मान लो हम लोग रिफाइंड ऑयल लेके आए, ठीक है, वो 1 लीटर वाला पैकेट, उसकी कन्नी पाड़ दी अपन ने, तो उसको हम लोग ऑयल को निकाल रहे हैं, कितना बढ़िया मस्त तेल निकलता है स्मूथ तरीके से, हाँ कि ना। और वहीं पे अगर टूटी छोड़ दें पानी की, तो पानी कैसे थर्र निकलता है। अब दोनों के फ्लो में कुछ फर्क है। जो ऑयल का फ्लो था वो कितना स्मूथ था, और जो पानी का फ्लो है वो टर्बुलेंट फ्लो है। अरे हाँ कि ना, हाँ बिल्कुल बात चमकी। ठीक, तो हम लोग मेनली स्ट्रीमलाइन फ्लो की चर्चा कर रहे होंगे। स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब जैसे कि वो ऑयल बहता है बड़े प्यार से, वैसे फ्लो की बातचीत कर रहे होंगे। सब लिखवाता हूं। और हम जब भी मूविंग फ्लूइड्स की चर्चा करेंगे तो हम लोग लेंगे कुछ एजम्पशंस। क्या एजम्पशंस लेंगे? टू डिस्कस मूविंग फ्लूइड्स, वी विल टेक एजम्पशंस। क्या है वो assumptions? फर्स्ट assumption इज दैट कि हम लोग फ्लूइड्स के अंदर विस्कोसिटी नहीं मानेंगे। विस्कोसिटी का मतलब कि फ्लूइड का फ्रिक्शन, वो हम लोग नहीं मानेंगे। नो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी स्पेलिंग, नो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? क्योंकि अगर फ्लूइड के अंदर फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन में एनर्जी लॉस होगी, और हम लोग मानेंगे कि एनर्जी लॉस नहीं हो रही। सो दैट एनर्जी इज कंजर्व्ड, ताकि एनर्जी कंजर्व रहे। सेकंड इज, हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो मानेंगे। स्ट्रीमलाइन फ्लो, अब ये स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है उसके बारे में बातचीत करी जाए। मान लो कि अपने पास एक पाइप है, ठीक है, उसमें पानी बह रहा है या कोई फ्लूइड बह रहा है, लिक्विड बह रहा है, कुछ भी बह रहा है, ऐसे पाइप है। ठीक, मान लो कि पानी ऐसे जा रहा है, तो मैंने 3 मॉलिक्यूल्स ले लिए, ए बी और सी। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे इस क्रॉस सेक्शन पर, मैंने 3 मॉलिक्यूल्स के बारे में चर्चा करी शुरू करी, तो तीनों मॉलिक्यूल्स की जो प्रॉपर्टीज होंगी जैसे कि वेलोसिटी, वो सेम होगी एक क्रॉस सेक्शन पे। ये स्ट्रीमलाइन फ्लो की प्रॉपर्टीज के बारे में बातचीत कर रहा हूं। क्या क्या प्रॉपर्टीज? द वेलोसिटी ऑफ ऑल द पॉइंट्स एट अ क्रॉस सेक्शन इज सेम। सबकी वेलोसिटी सेम होगी एक क्रॉस सेक्शन पे। हाँ, हो सकता है कि वो बाद में जाके वेलोसिटी कम ज्यादा हो जाए, लेकिन उस क्रॉस सेक्शन पे भी सारे पॉइंट्स की रफ्तार सेम होगी। राइट, एक क्रॉस सेक्शन पे सारों की रफ्तार सेम होगी। बहुत बढ़िया। अब ये जो ए वाला मॉलिक्यूल है, इसका एक रास्ता होगा जाने का, ये ऐसे जा रहा होगा। बी वाले का कुछ ऐसा रास्ता होगा, सी वाले का कुछ ऐसा रास्ता होगा। ये जो रास्ते हैं इन मॉलिक्यूल्स के जाने के, इन्हीं को ही स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। समझ में आया? एंड नो टू स्ट्रीमलाइंस मिक्स विद ईच अदर, ये अकेली अकेली रहती हैं। जैसे कि मान लो धागे ले लो, धागे बहुत सारे ऐसे खींच कर सिवना लो, तो वो धागे एक दूसरे के अंदर थोड़ी ना घुसेंगे, वो अपना इंडिपेंडेंट रहेंगे। वैसे ही ये स्ट्रीमलाइन होती हैं। बात चमकी, पक्का, वेरी गुड। और सुनो, जब ये पानी आगे बढ़ेगा तो ए बी सी तो आगे बढ़ चुके होंगे, तो उनकी जगह पे नए मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे,
तो जो मॉलिक्यूल ए वाले पॉइंट पे आएगा वो ए वाला रास्ता ही फॉलो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द स्ट्रीमलाइन, द मॉलिक्यूल्स रीचिंग एट अ पॉइंट फॉलो सेम पाथ या सेम स्ट्रीमलाइन। सारे मॉलिक्यूल्स वही स्ट्रीमलाइन को फॉलो करेंगे। जो बी के पास आएगा, जो बी वाली पोजीशन पे आएगा वो बी वाला रास्ता लेगा, जो सी पे आएगा वो सी वाला रास्ता लेगा। सारे मॉलिक्यूल्स एक ही रास्ता लेंगे। समझ में आई बात? पक्का? वेरी गुड। अच्छा, मान लो कि मुझे यहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं? अरे बहुत सिंपल, टेंजेंट बना लो। टेंजेंट यहां पे, तुम स्ट्रीमलाइन पे टेंजेंट अगर बना लोगे तो पार्टिकल की या मॉलिक्यूल की रफ्तार की डायरेक्शन मिल जाएगी। ये समझ में आया? बस यही स्ट्रीमलाइन है। ठीक, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया। मिटा दूं इसको? ओके, स्ट्रीमलाइन के अलावा एक होता है सेकंड टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो, मान लो कि भाई पाइप में पानी छोड़ दिया, पानी धड़ 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 पता ही नहीं मॉलिक्यूल किधर से किधर को आ रहे हैं, बस वही फ्लो को टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। व्हेन या इफ द मॉलिक्यूल्स, इफ द मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली, मूव रैंडमली द फ्लो इज टर्बुलेंट, द फ्लो इज टर्बुलेंट, तब वो फ्लो को टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं हम लोग। ठीक, थर्ड वाला होता है एक लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो, क्या तुमने कभी रिवर के अंदर पानी फ्लो होते हुए देखा है? बिल्कुल देखा होगा। मान लो कि ये है रिवर बेड, तो जो पानी होता है ना वो लेयर्स में चलता है, लेयर्स में, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में चलता है ऐसे। इसमें विस्कोसिटी मानी जाती है, इसमें विस्कोसिटी की बातचीत करते हैं हम लोग। तो जो लेयर पानी की ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में होती है वो रेस्ट पे होती है, क्योंकि ग्राउंड रेस्ट पे है। तो जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ऐसे वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता जाएगा, और टॉप मोस्ट जो लेयर है उसकी रफ्तार सबसे ज्यादा होगी। इफ द फ्लूइड फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, then the flow is laminar, then the flow is laminar। लेमिना का मतलब होता है sheets। ठीक, sheets की तरह flow हो रहा है ये। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब ये जो एक मॉलिक्यूल एक लेयर में है वो दूसरी वाली लेयर में कभी एंटर नहीं होगा, एक लेयर इंडिपेंडेंटली अपना चलेगी, वो दूसरी वाली लेयर के अंदर जाके मिक्सअप नहीं होगी। ठीक है, ये बात समझना। नो टू लेयर्स, no two layers mix with each other, एक दूसरे के अंदर वो मिक्स नहीं होंगी। क्यों सन्नाटो? समझ में आया? पक्का? वेरी गुड। तो ये थे टाइप्स ऑफ फ्लोस। अब मेरी बात सुनना, मान लो कि पाइप है, पाइप पे हमने पानी छोड़ दिया, टूटी छोड़ दी, धीरे थोड़ी सी छोड़ी, अब पानी आ रहा है बढ़िया मस्त आ रहा है, मैंने टूटी थोड़ी तेज कर दी, पानी तेज हो गया। जैसे जैसे टूटी तेज करूंगा क्या फ्लो टर्बुलेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, धक 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 पानी बहना शुरू हो जाएगा? अरे हाँ कि ना? ओके, मतलब एक ऐसी वेलोसिटी आएगी कि इससे ज्यादा वेलोसिटी होने पे फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा, हाँ कि ना? बिल्कुल, उस वेलोसिटी को बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। सो हेडिंग लिखो क्रिटिकल वेलोसिटी। It is the velocity, it is the velocity above which the flow is turbulent, the flow is turbulent, इसके ऊपर flow turbulent हो जाएगा। ठीक, उसको बोलते हैं critical velocity।
अब ये क्रिटिकल वेलोसिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, अभी चर्चा करते हैं। पहले इसको छाप दो, छाप दिया, बहुत बढ़िया, मजा आया। तो क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड करती है विस्कोसिटी कोएफिशिएंट पे, डेंसिटी पे, डायमीटर ऑफ पाइप पे। एक्सप्लेन करता हूं अभी। देखो मान लो कि एक पाइप में शहद बह रहा है, शहद मतलब हनी, यो हनी सिंगर, तो हनी बह रहा है एक पाइप में, एक पाइप में बह रहा पानी, ठीक। अब हनी की विस्कोसिटी ज्यादा होती है, हनी ज्यादा विस्कस होता है ना, तुम हनी में स्विमिंग करोगे डिफिकल्टी आएगी तुम्हें आगे बढ़ने में, पानी में बढ़े तुम आराम से कर लोगे, क्योंकि हनी तुम्हें ज्यादा अपोज करेगा, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। अच्छा, हनी की विस्कोसिटी ज्यादा होती है। मान लो दोनों फ्लोज की रफ्तार सेम है, पानी की भी और हनी की भी, अरे कौन सा टर्बुलेंट होने की क्षमता रखता है? पानी। हनी तो मस्त बह रहा होगा, स्मूथ स्मूथ, हाँ कि ना, हनी मस्त बह रहा होगा, तो पानी टर्बुलेंट हो गया। अच्छा, मतलब हनी टर्बुलेंट ज्यादा रफ्तार पे होगा, इसका मतलब हनी की क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा होगी, वो ज्यादा रफ्तार पे जाके टर्बुलेंट बनेगा। अच्छा, हनी क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू पानी। अच्छा, हनी की तो विस्कोसिटी भी ज्यादा होती है। हाँ, तभी ये फैक्टर आया कि जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा। क्या ये समझ में आया? मैं लिख देता हूं, ईटा इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक, जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा है। एग्जाम्पल हनी एंड वॉटर। सेकेंड, डेंसिटी की बात करते हैं। तुम एक पैकेट में से ऑयल निकालो, अरे बढ़िया मस्त स्मूथ तरीके से निकलता है, और उसी पैकेट से पानी निकालो, पानी इतना स्मूथ नहीं निकलेगा। इसका मतलब क्या ऑयल ज्यादा रफ्तार पे जाके क्रिटिकल होगा एज कंपेयर टू वाटर? इसका मतलब ऑयल की क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा है। अच्छा, ऑयल की डेंसिटी तो कम होती है, इसका मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी और डेंसिटी इनवर्स रिलेशन में है। सो रो इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। चमका, डी की चर्चा करते हैं। तुमने खेत में मोटर देखी है, मोटर, मोटर में पाइप लगी होती है मोटी, उसमें से पानी आ रहा होता है, टर्बुलेंट टर्बुलेंट पानी आ रहा होता है, उसकी रफ्तार कुछ इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन फ्लो बहुत टर्बुलेंट होता है। सिमिलरली अगर तुम घर पे छोटी पाइप लो तो उसमें फ्लो इतना टर्बुलेंट नहीं होता एज कंपेयर टू खेत वाली मोटर। खेत वाली मोटर का जो पानी है उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी कम है, वो बहुत जल्दी टर्बुलेंट हो जाता है। उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी कम है, उसका डायमीटर ज्यादा है। इसका मतलब डायमीटर और क्रिटिकल वेलोसिटी इनवर्स रिलेशन में है। सो डी इज डायमीटर ऑफ पाइप। क्या ये चमका? अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है इसको बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर, कैपिटल आर। क्या बोलते हैं? रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक। अब रेनॉल्ड्स नंबर अगर तो 3000 से ज्यादा आ गया तो फ्लो क्रिटिक वो है, टर्बुलेंट है, इट इज टर्बुलेंट। और अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम आ गया तो फ्लो है स्ट्रीमलाइन, ठीक, देन द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन। अच्छा, अगर आर 3000 से कम और 2000 से ज्यादा आ गया तो फ्लो होगा अनस्टेबल, कहीं भी जा सकता है, इट विल बी अनस्टेबल। रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर निकालने का एक्सपेरिमेंट करते हैं सिविल की फिफ्थ सेमेस्टर की, फिफ्थ या सिक्स सेमेस्टर की हाइड्रोलॉजी की लैब आती है एक लेबोरेटरी में, तो वहां पे एक्सपेरिमेंट करा जाता है। हाँ, मैंने सिविल में करी थी तो मैंने ये वाला एक्सपेरिमेंट करा था, आई रिमेंबर। रेनॉल्ड्स नंबर फाइंड आउट किया था हमने फॉर डिफरेंट फ्लूइड्स, ठीक, सिविल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर हाइड्रोलॉजी की लैब। बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया, अरे छापा तुमने सबने पक्का। तो रेनॉल्ड्स नंबर से डिफाइन हो जाएगा कि फ्लूइड अपना स्ट्रीमलाइन फ्लो में होगा या फिर टर्बुलेंट फ्लो में होगा, ठीक है। टर्बुलेंट फ्लो को थोड़ा जानना पहचानना अभी अपने बस की बात कम है, हम लोग मेनली स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में ही चर्चा कर रहे होंगे, ठीक। छापा यहां तक पक्का, बहुत बढ़िया, मिटा दूं। चलिए,
तो अब हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन की। कंटिन्यूटी इक्वेशन, ध्यान देना। मान लो कि अपने पास एक पाइप है, ऐसे पाइप मोटी थी पतली हो गई, ठीक। ओके, यहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है मान लो A1, यहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2, यहां पे वेलोसिटी है पानी की V1, पानी मान लो फ्लूइड मान लो, यहां पे वेलोसिटी है V2। अब जो भी इसके अंदर फ्लूइड है उसकी डेंसिटी कांस्टेंट ही होगी थ्रू आउट। चलो मान लेते हैं कि वेरिएबल है, यहां पर डेंसिटी है रो वन और यहां पर डेंसिटी है रो टू, बहुत नेग्लिजिबल सा फर्क हो सकता है डेंसिटीज में, हमने मान लिया हाँ कि ना। तो पानी बह रहा है राइट की ओर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मान लो पाइप में पानी बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है। अच्छा, जितना मास अंदर घुसेगा पाइप के, क्या उतना ही मास बाहर निकलेगा, हाँ कि ना, सोचो। मान लो कि मैं डी टी टाइम ले लेता हूं, क्या डी टी टाइम में V1 dt पानी चला और dt टाइम में V2 dt पानी बाहर की ओर चला। अब ये जो मासेज हैं, बाहर निकलने वाला और अंदर घुसने वाला, ये सेम होना चाहिए, मास शुड बी सेम। अरे इज इट राइट? लेफ्ट वाले का मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इज रो वन, वॉल्यूम इज एरिया इंटू V dt। राइट साइड में रो टू ए टू वी टू डी टी, डी टी ने डी टी को मार दिया, तो रो वन ए वन वी वन इज इक्वल टू रो टू ए टू वी टू आ गया। समझ में आई बात? पक्का? लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स डेंसिटी सेम ही रहती है, नेग्लिजिबल सा फर्क रहता है। अगर डेंसिटी सेम है, इफ रो वन इज इक्वल टू रो टू, देन वी कैन से ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू। ए एरिया है, वी वेलोसिटी है, कई सन्नाटे वी को वॉल्यूम लेके ही चल रहे थे, ए एरिया वी वेलोसिटी। समझ में आया? दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब हम लोग इसको डेली लाइफ में कहां यूज करते हैं, सोचो सन्नाटो, कहां यूज करते हैं? जब हम गाड़ी धोते हैं, गमलों को पानी देते हैं, तो क्या हम पाइप के आगे उसका एरिया कम कर देते हैं उसके मुंह पे अंगूठा रख के, ताकि फ्लो बहुत तेज निकले? हम लोग एरिया कम कर देते हैं ताकि वेलोसिटी बढ़ जाए। अरे बचपन से यूज कर रहे हैं ये वाली इक्वेशन, पढ़ी आ जाए, यूज तो बचपन से कर रहे हैं, हाँ कि ना, समझ में आया? पक्का? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार, छाप लिया। एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लो, मान लीजिए कि अपने पास पाइप कुछ ऐसी है, क्रॉस सेक्शन पाइप का कुछ ऐसा है, ठीक। ये है एरिया ए, ये टू ए, ये ए बाय टू, यहां से पानी आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, यहां से पानी जा रहा है 8 मीटर पर सेकंड से, तो यहां से पानी कितनी रफ्तार से जा रहा होगा, वी फाइंड आउट करना है। ओके, जितना मास इनपुट उतना मास आउटपुट, इनपुट के एक पॉइंट आउटपुट के दो पॉइंट, इट मींस ए वन वी वन इनपुट की साइड इज इक्वल टू ए टू वी टू आउटपुट की साइड। इनपुट की साइड कितना आएगा, ए इंटू टेन, आउटपुट की साइड कितना आएगा, ए बाय टू इंटू वी प्लस टू ए इंटू एट। बहुत बढ़िया, 10a इज इक्वल टू ए वी बाय टू प्लस 16a, सो ए वी बाय टू इज इक्वल टू माइनस 6a, ए ने a को मारा, v इज इक्वल टू माइनस 12 मीटर पर सेकेंड। माइनस 12 मीटर पर सेकेंड का मतलब ये हुआ कि भाई साहब वेलोसिटी उल्टी है, यहां से पानी बाहर नहीं जा रहा होगा, यहां से पानी अंदर आ रहा होगा, कितनी रफ्तार से, 12 मीटर पर सेकेंड से। अरे बात समझ में आई? पक्का? छाप दो। छाप दिया, आगे बढ़ो। बहुत बढ़िया, एक और थ्योरम होती है विच इज कॉल्ड बर्नौलीज थ्योरम। विच थ्योरम? बर्नौलीज थ्योरम। क्या कहती है ये बर्नौलीज थ्योरम? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार थ्योरम होती है ये। क्या कहती है ये बर्नौलीज थ्योरम, इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक, ध्यान देना। मान लो कि अपने पास एक पाइप है, ऐसा कुछ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं उसका,
ठीक, बढ़िया, मस्त क्रॉस सेक्शन। मान लो कि ये जमीन से कुछ हाइट पे है, ये हाइट h1 और ये हाइट h2, एरिया a1 और एरिया a2, ठीक है। और राइट साइड लिक्विड फ्लो हो रहा है, यहां पे v1 रफ्तार, यहां पे v2 रफ्तार, डेंसिटी यूनिफॉर्म मान लेते हैं थ्रू आउट, ठीक बात। पानी फ्लो कर रहा है, लिक्विड या पानी या फ्लूड जो भी है वो फ्लो कर रहा है, मस्त है, राइट की तरफ, बढ़िया मजा में। ओके, इज वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ध्यान से सुनना। अब इसमें जितना पानी अंदर घुसेगा उतना पानी बाहर निकल जाएगा, इज इट राइट? तो पहले ऐसे पानी था, अब यहां पे इतना पानी ऐड हो गया डी टी टाइम में मान लो, तो भाई साहब डी टी टाइम में इतना पानी बाहर निकल गया, ठीक। अब ये जो डिस्टेंसेस हैं, ये वाला डिस्टेंस है v1 dt और ये वाला डिस्टेंस है v2 dt, क्या ये बात समझ में आई? पक्का, बहुत बढ़िया। अब जो सराउंडिंग का प्रेशर है यहां पे, उसको p1 मान लेते हैं और यहां पे मान लेते हैं p2, सराउंडिंग का प्रेशर है p2, ठीक। अब ये बताओ क्या p1 प्रेशर के कारण इस फ्लूइड पे फोर्स लग रही होगी? किस डायरेक्शन में लग रही होगी? राइट में, क्योंकि फ्लूइड तुम्हारा राइट में है तो सराउंडिंग राइट में फोर्स लगाएगी। अच्छा, यहां पे सराउंडिंग लेफ्ट में फोर्स लगाएगी, क्या ये बात समझ में आई? सो फोर्स यहां पे राइट और यहां पे लेफ्ट, ठीक, बहुत बढ़िया। कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? एक तो पी1 के कारण इसको एफ1 बोल देते हैं, एक पी2 के कारण इसको एफ2 बोल देते हैं, और कौन सी फोर्स? ग्रेविटी, विस्कोसिटी वगैरह तो हम लोग नेग्लिजिबल, जीरो मान रहे हैं, ठीक है, फ्रिक्शन विक्शन नहीं है। तो ये तीन फोर्स लग रही हैं। ओके, वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है वर्क डन बाय एफ1 प्लस वर्क डन बाय एफ2 प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये वर्क एनर्जी थ्योरम कह रही है। ओके, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया। अच्छा, F1 का वर्कडन कितना हुआ? F1 का वर्कडन जो आएगा पॉजिटिव आएगा, फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर। वर्कडन कितना आया? पहले तो F1 का मैग्नीट्यूड P1 into A1 और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है V1 dt। सिमिलरली F2 का वर्कडन नेगेटिव आएगा क्योंकि फोर्स लग रही है लेफ्ट में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है राइट में, तो नेगेटिव कितना आएगा? P2 A2, ये तो फोर्स होगी, और V2 dt डिस्प्लेसमेंट। ओके, ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव आएगा क्योंकि ऊपर जा रहा है मास, तो ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव आएगा, ठीक है। पर कितना ध्यान दो, जब तुम्हारा पानी कुछ अंदर घुसा कुछ बाहर निकला, ये वाले पार्ट में तो कुछ खास चेंज नहीं आया ना, ये वाला पार्ट तो वैसे का वैसे ही है, यहां पे पानी पहले भी था, यहां पे पानी बाद में भी है। इसका मतलब क्या मैं ये अज्यूम कर लूं कि पानी यहां से बाहर अंदर घुसा और इतना ही पानी यहां बाहर घुसा, तो ये वाला मास यहां से यहां पहुंच गया, जो अंदर घुसा मास वही बाहर पहुंच गया dt टाइम में, यहां से घुसा यहां से निकल गया, तो ये वाला मास यहां पहुंच गया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी गेन हुई, तो वर्क डन जो ग्रेविटी हुआ वो इसका मास नेगेटिव में आएगा, माइनस एम जी चेंज इन हाइट, सही लिखा? अरे यही मास तो यहां पहुंच गया यार, उसकी हाइट बढ़ गई तो वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव आएगा, ग्रेविटी नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, ये डिस्प्लेसमेंट, समझ में आई बात? पक्का। ओके, काइनेटिक एनर्जी का चेंज, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यहां पे वेलोसिटी v2 है तो हाफ एम v2 स्क्वायर, इनिशियल हाफ एम v1 स्क्वायर। अच्छा, ये m क्या है? व्हाट इज दिस m? m इस पार्ट का मास है, इस पार्ट के मास को लिख सकते हैं हम लोग डेंसिटी इंटू, यहां से अगर देखूं तो वॉल्यूम ए वन वी वन डी टी, या फिर रो इंटू ए टू वी टू डी टी लिख सकता हूं, ये मास हो गया, सही बात। अच्छा, ये ए वन वी वन डी टी को क्या लिख सकता हूं? ए वन वी वन डी टी को एम बाय रो लिख सकता हूं, तो पी वन एम बाय रो, सही लिखा। और यहां पे ए टू वी टू डी टी को एम बाय रो, तो माइनस P2 m by rho, और ये माइनस mg
H2 - H1 इज इक्वल टू हाफ एम V2² - V1² सही लिखा? देख लो भाई, देख लो सही लिखा ना? ओके, तो एम 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 और एम उड़ गए। डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो इसको, P1 - P2 - ρg H2 - H1 इज इक्वल टू हाफ रो V2² - V1² क्या ये आया? अरे क्या ये आया, वन को लेफ्ट साइड, टू वालों को राइट साइड कर लो। कैसे? ये बनेगा P1 + ρg H1 + ρg V1² इज इक्वल टू P2 + ρg H2 + ρg V2² ये बनने वाला है। यही बर्नौली थ्योरम है। तो बर्नौली थ्योरम कहती है कि P + ρg H + ½ρv² इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कोई भी दो पॉइंट पे पकड़ के तुम बर्नौली थ्योरम लगा सकते हो। दिस इज द बर्नौली थ्योरम। समझ में आया? छाप दो अच्छे से। छाप दिया, वेरी गुड। ये जो बर्नौली थ्योरम है, ये किस प्रिंसिपल बेस्ड करती है? इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। ठीक, हमने इसमें एनर्जी कंजर्व करी, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के हमने एनर्जी कंजर्व करी, वहीं से बर्नौली थ्योरम आई। और जो कंटिन्यूटी इक्वेशन थी वो कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करती थी। समझ में आया? एक और इंपॉर्टेंट बात है इसमें, क्या? इट इज एप्लीकेबल ऑन पॉइंट्स विच आर एट सेम स्ट्रीमलाइन, ये क्यों? क्योंकि जब तुम बर्नौलीज लगा रहे थे तो ये पाइप तो मैं बहुत छोटी भी ले सकता हूं, मैं यहां से लेके यहां तक भी बर्नौली लगा रहा हूं, वो तब ही लग पाएगी जब तुम एक ही स्ट्रीमलाइन के पॉइंट चर्चा कर रहे होगे। ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाला जो मास है, ये अगर यहां से जा रहा है तो भाई साहब यहीं से निकलेगा, ये यहां से निकलने वाला नहीं है, किसी और स्ट्रीमलाइन से निकलने वाला मास नहीं है। समझ में आया? अरे तुम M और M लेते थे ना, वो तभी ही ले पाओगे जब एक ही स्ट्रीमलाइन पे हो। ये वाला मास जो यहां से घुसा है, ये वहां से बाहर निकलने वाला नहीं है। समझ में आई? इसलिए एक ही स्ट्रीमलाइन पे पॉइंट्स पे हम लोग बर्नौलीज लगा सकते हैं, डिफरेंट पे नहीं। समझ में आई बात? पक्का? ओके, अब इसकी अपनी जिंदगी में कहां कहां एप्लीकेशंस आती हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। बर्नौलीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, मजेदार एप्लीकेशंस। फर्स्ट एप्लीकेशन इज एरोप्लेन, जहाज उड़ता है ड्यू टू बर्नौली थ्योरम। कैसे? मान लो कि जहाज राइट में जा रहा है, ठीक है, इसके विंग की ऐसे स्ट्रक्चर होती है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होती है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाई जाती है कि जो हवा आ रही होती है ऐसे, उसकी रफ्तार विंग के ऊपर ज्यादा होती है। अगर ये फर्स्ट पॉइंट ले लूं, ये सेकंड पॉइंट ले लूं, तो जो हवा की रफ्तार विंग के ऊपर होती है वो ज्यादा होती है, V1 is greater than V2। ठीक, अब बर्नौली थ्योरम क्या कहती है कि P + ρg H + ½ρv² = constant। अगर वेलोसिटी ज्यादा हुई तो क्या प्रेशर कम होना पड़ेगा? अरे हाँ कि ना, क्योंकि P + ρg H + ½ρv² A + B + C = constant। अगर C ज्यादा हुआ तो A को कम होना पड़ेगा। अरे हाँ कि ना, अगर B चेंज नहीं हो सकता, C ज्यादा हुआ तो A को कम होना पड़ेगा। सिमिलरली अगर वेलोसिटी ज्यादा हुई तो प्रेशर कम होना पड़ेगा, वेलोसिटी 1 पे ज्यादा तो प्रेशर 1 पे कम, तो नीचे का प्रेशर ज्यादा है तो क्या ये ऊपर की ओर फोर्स लगेगी? एक नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन विच विल लिफ्ट द प्लेन। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? बहुत बढ़िया, तुमने हां तो बोल दिया लेकिन तुमने ये नहीं सोचा
कि सर आपने तो कहा था इट इज एप्लीकेबल ऑन पॉइंट्स विच आर एट सेम स्ट्रीमलाइन, ये एक और दो तो सेम स्ट्रीमलाइन के है ही नहीं, तो एक और दो पे बर्नौली कैसे लगा दी, हाँ कि ना? सुनो सन्नाटो, ये जो एक और दो पॉइंट हैं, ये यहां पे मैंने बर्नौली नहीं लगाई, यहां पे एक थर्ड पॉइंट है जहां पे एक और दो वाले की स्ट्रीमलाइन लगभग मिक्सअप ही हो रही है, मतलब बस बहुत करीब करीब है एक दूसरे के, अरे हाँ कि ना, यहां पे स्ट्रीमलाइन बहुत ही करीब होंगी, तो थर्ड पॉइंट को मैं इन दोनों का कॉमन ही मान लेता हूं, ठीक है, थर्ड पॉइंट ले लो, फोर्थ पॉइंट ले लो, दोनों एक ही पॉइंट होंगे। तो मैंने वन से थ्री पे बर्नौली लगाई, टू से थ्री पे बर्नौली लगाई, इसलिए इनडायरेक्टली वन और टू पे लग गई, वहां से ये रिजल्ट आए, समझ में आई बात? वन और टू पे डायरेक्टली बर्नौली नहीं लगा सकते, एक कॉमन पॉइंट है, लगभग कॉमन पॉइंट थ्री, वन से थ्री पे, टू से थ्री पे, तो वन और टू कंपेयर हो गए, समझ में आया? इसलिए जहाज उड़ जाता है। सेकंड एप्लीकेशन, ट्रेन। क्या तुम अगर दिल्ली मेट्रो में गए हो या कभी किसी भी शहर की मेट्रो में गए हो तो अनाउंसमेंट होती है, यात्रीगण कृपया येलो रेखा के पीछे खड़े हो, हाँ कि ना? एक येलो रेखा होती है प्लेटफॉर्म पे, है ना, दो फुट तक, दो से ढाई फुट पे येलो लाइन होती है कि उसके पीछे खड़ा होना, आगे खड़ा नहीं होना, क्योंकि वहां से ट्रेन गुजरने वाली है। अच्छा, ऐसा क्यों कहते हैं? और कई कई स्मार्ट लोग ऐसे गोगल वोगल पहन के कान में लगा के टूटियां वहां पे खड़े हो जाएंगे ऐसे बिल्कुल एज पे, कि ट्रेन अगर आए तो बस नाक छील के चली जाए, ऐसे खड़े हो जाएंगे वहां पे, क्योंकि उन्होंने बर्नौली थ्योरम नहीं पढ़ी, बेवकूफ है वो, इसलिए खड़े होते हैं। अगर उन्होंने बर्नौली थ्योरम एक बार भी पढ़ ली तो वहां पे कभी खड़े नहीं होंगे। क्यों? ध्यान देना, अभी एक्सप्लेन करता हूं। मैं टॉप व्यू बना रहा हूं ट्रेन का, ठीक है? सो दिस इज द ट्रेन, टॉप व्यू, ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म का एज है ये, ठीक, और ये है वो येलो लाइन, ये है वो येलो लाइन, यहां पे नहीं खड़े होना, यहां पे नहीं खड़े होना। अगर यहां पे खड़े होगे तो क्या नुकसान है? मान लो ये पॉइंट है वन और ये पॉइंट है टू, टॉप व्यू है ये। अब अगर ट्रेन आ रही होगी तो क्या ट्रेन के साथ जो हवा होगी वो भी बहुत तेज चल रही होगी, तो हवा की वेलोसिटी कहां पे ज्यादा होगी, वन पे या टू पे? वन पे। वेलोसिटी एट वन इज ग्रेटर देन वेलोसिटी एट टू, इसलिए पी वन इज लेस देन पी टू। अगर पी टू ज्यादा है तो क्या तुम्हें पीछे से धक्का लग सकता है ट्रेन की तरफ, है ना? सो अ पुश टूवर्ड्स, अ पुश टूवर्ड्स द ट्रेन, ये पुश के कारण तुम ट्रेन की तरफ खिंच सकते हो और तुम्हारी नाक मुंडी सब कुछ ट्रेन से भिड़ सकता है। इसलिए कहा जाता है कि उस एरिया में मत खड़े हो जहां पे हवा की रफ्तार ज्यादा है, पीछे खड़े हो थोड़ा, समझ में आया? ये वन और टू पे डायरेक्टली बर्नौली नहीं लगाई, एक कॉमन पॉइंट ढूंढा है हमने थर्ड, वहां पे हमने बर्नौली लगाई है, लाइक दिस केस। चमका, एक दो एग्जांपल में बर्नौली के और देता हूं, फिर हम लोग आज की सभा समाप्त करेंगे। छाप लिया इसको अच्छे से, चलिए भाई। तो तुमने वो सुना कि तूफान में घरों की छतें उड़ जाती हैं, क्यों उड़ती हैं? लेट्स सी, थर्ड, blowing off roof, blowing off roof। देखो मान लो कि ये छत है घर की, है ना, ऐसे घर है छोटा सा, बढ़िया सा, मस्त चुन्नू सा, नन्नू सा, मुन्नू सा, ये घर है, तो हवा चली बहुत तेज, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ एयर वन पे बड़ी है तो प्रेशर वन पे छोटा है, अंदर का प्रेशर ज्यादा है तो ये एक फोर्स लगा देगा ऊपर की ओर। सो अ लिफ्ट फोर्स, अ लिफ्ट फोर्स विल ब्लो द रूफ, छत उड़ जाएगी, अरे हाँ कि ना? समझ में आया? बस यही है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली। जिंदगी में बहुत सारी और एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली तुम्हें मिलने वाली हैं, ठीक बात? पक्का? बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया। और एक दो और एप्लीकेशन है बर्नौलीज की, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करते हैं, वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स वगैरह वगैरह। और हम लोग जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें जो फ्लो हो रहा होता है उसको कैसे एनालाइज करते हैं कि कितना फ्लो है, कितनी तेजी से चल रहा है, वो सब कुछ बर्नौली थ्योरम से हो जाता है।
नेक्स्ट क्लास में चर्चा करता हूँ। तो अपनी इस क्लास में असाइनमेंट है तुम्हारे लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो असाइनमेंट करो और मजे कर, पढ़ाई करो, है ना। और जो सन्नाटे नए हैं वो सबसे आगे बटन दबा के घंटी बजाओ। ऑलराइट, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ाई करके आना। तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय।